मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में तो माहिर है, लेकिन किसी व्यक्ति का जनजीवन बचाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। कि राजस्थान में अब न तो सड़क पर सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, मंदिर में सुरक्षित है, और ये सब अशोक गहलोत जी के राजनीतिक संरक्षण में। राजसमंद में देवगढ़ के हीरा गांव में पुजारी को जिंदा जलाया जाना ये पहली घटना नहीं है, और सीधे सीधे सरकार की इकबाल से जुड़ी घटना है। कि राजस्थान की जो अपराध की घटनाएं बढ़ी उसमें फहरिस्त में एक पुजारी की हत्या और जुड़ गई, लेकिन पुजारी की हत्या जिंदा जलाया जाना एक सवाल फिर सरकार के सामने खड़ा कर गया। कि राजस्थान में अब न तो सड़क पर सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, मंदिर में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है। राजस्थान की असुरक्षा यहां तक पहुंच गई कि किसी देवता को पूजने वाले पुजारी को इस तरीके से या तो जिंदा जलने पर विवश होना पड़ता है या फिर जिंदा जलाया जाता है। ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल खड़े करता है, जो इस समय भारत जोड़ने की बात करते हैं और कुर्सी को बचाए रखने के लिए सारी बातों को ताक पर रख देते हैं। ये उसी का नतीजा है कि जो कानून व्यवस्था पिछले चार सालों में ध्वस्त हुई उसका ये परिणति इस रूप में होती है, इस विभत्स रूप में होती है। घटना नहीं है, और जो फहरिस्त है उसमें घटना और जुड़ गई। या तो पुजारी को जिंदा जलने के लिए विवश होना पड़ता है, जो महंत विजयदास जी की घटना हुई, जयपुर के मुरलीपुरा की घटना हुई, लेकिन राजसमंद की देवगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर से उद्वेलित कर दिया है कि किस तरीके से राजस्थान में माफिया और बदमाशों का आतंक है। और ये सब अशोक गहलोत जी के राजनीतिक संरक्षण में साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि वो ऐसी घटनाओं से आंख मूंद कर बैठे हैं। सरकार की कोई प्रतिबद्धता कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिखती नहीं है। राजस्थान ऐसा लगता है कि अब अपराधियों के हाथों में है, वहां कोई सरकार का न इकबाल है न सरकार का शासन है। ऐसे में समाज में उद्वेलन स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि अब न तो सड़क पर कोई सुरक्षित है, क्योंकि जो घटनाएं हम देखते हैं जिस तरीके से दिन दहाड़े डकैती होती है, लूटपाट होती है, हत्याएं होती हैं, और 7 हत्याएं प्रतिदिन के आंकड़े में एक आंकड़ा फिर जुड़ गया। पुजारी की ये हत्या ये सरकार पर सीधे सीधे सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में तो माहिर है, लेकिन किसी व्यक्ति का जनजीवन बचाने में उनकी कोई रुचि नहीं है।